हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार का राजगीर घूमने के लिए आया हूँ, मतलब वन्य प्राणी सफारी। मतलब ये जगह जो है ना, खुले हुए एक साल हुआ है। राजगीर के अंदर ग्लास ब्रिज, यहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है करने को, देखने को, घूमने को। तो चलते हैं अभी अंदर और अंदर जाकर के पूरा सीन दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में मैं रखूँगा। इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा जो यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुकना है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ घूमने का एक्टिविटी, इतना बड़ा जगह है ना कि एक दिन में आप पूरा नहीं घूम पाओगे। तो यहाँ पे आकर के रुकना पड़ेगा, एक दिन टाइम देना पड़ेगा, रात एक रात देना होगा, उसके बाद ही आप पूरा यहाँ पर घूम सकते। क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा जो है ना दोस्तों, यहाँ पर टिकट का है। सबसे ज़्यादा लफड़ा टिकट का है। टिकट अगर आप ले लिए घूमने का, तो आप कभी भी घूम सकते हैं। ग्लास ब्रिज, खास करके मैं ग्लास ब्रिज जा रहा हूँ घूमने के लिए। ग्लास ब्रिज का एक दिन में 800 टिकट बुक होता है। ग्लास ब्रिज का टिकट जो है ना, लिमिटेड मिलता है। 800 टिकट बुक हो जाता है ना, तो ग्लास ब्रिज का टिकट बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर जू सफारी है, जू मतलब चिड़ियाघर की तरह है, उनका टिकट हमेशा मिलता है। आप कभी भी आ करके वो टिकट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा है। और इधर से देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं अंदर जाऊंगा और टिकट काउंटर दिखाते हैं कहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। इधर हिंदी में लिखा हुआ है राजगीर वन्य प्राणी सफारी, और आगे भी मिल जाएगा आपको राजगीर वाइल्ड सफारी। तो वीडियो को फुल देखे, आपको पूरी जानकारी मैं कब और किस जगह पे दे दूंगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें, अगर पूरी जानकारी लेना हो, यहाँ घूमना हो राजगीर का ग्लास ब्रिज को। फ्री गेट आपको 5 नंबर गेट पे मिल जाएगा। 5 नंबर गेट पर आने के बाद आप राजगीर का ग्लास ब्रिज के लिए टिकट ले सकते हैं। आपको एंट्री फीस, केवल एंट्री फीस जो है ना दोस्तों, 150 रुपये है। अभी दिखाएंगे आपको टिकट 150 रुपये, वो बस का है। ये 5 नंबर गेट है दोस्तों, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा। 5 नंबर गेट है। मुबशिर कि देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। टिकट घर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लाइन लगा हुआ है दोस्तों टिकट के लिए। चलते हैं अभी अंदर। ये एंट्री टिकट है, सिर्फ एंट्री टिकट है ये 150 रुपये। और इस टिकट से हम बस से अंदर जाएंगे। इसी टिकट से हमें बस से अंदर जाना होगा ग्लास ब्रिज पे, ताकि दो कि यहाँ से अंदर जाने के बाद हमें बस मिलेगा और उस बस से हमें 6 किलोमीटर अंदर लेकर के जाया जाएगा, जहाँ ग्लास ब्रिज है। और फिर ग्लास ब्रिज का टिकट अलग लगेगा। तो टिकट चेक कराएंगे, फिर एंट्री करते हैं यहाँ पे। हाँ, मिल रहा है, देखिए अभी देखिए दे रहा है। ये ग्लास ब्रिज का टिकट है, नेचर से पारी जो है ना, उसी में ग्लास ब्रिज है। अच्छा, ये हाँ, ये बस का ही टिकट है ना? हाँ, ये बस का आपको ग्लास ब्रिज। अच्छा, ग्लास ब्रिज पहुँचा देगा। देख सकते हैं दोस्तों, अंदर आने का ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। और सामने देख सकते हैं पहाड़ी। तो अंदर एंट्री कर लिए है, अब देखते हैं ग्लास ब्रिज के लिए हमें बस किधर से मिलेगा। आपको हर चीज़ दिखाते चलेंगे। जगह पे बताया जाएगा हमें कहाँ से गाड़ी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड है बताने के लिए, जो किधर से मिलेगा हमें। चलते हैं अभी, बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से मिलेगा किस चीज़ का टिकट। जू सफारी घूमने के लिए टिकट आपको यहाँ पे मिलेगा एंट्री करने के बाद, इसी काउंटर से। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी साफ सफाई अच्छी है। और देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ पे पास करेंगे टिकट दिखला करके।
ग्लास भेज के लिए सर, इधर यहाँ से आगे से राइट पे जाओ, आगे से राइट, चलो यहाँ से आगे से राइट लेना है ग्रास ब्रिज के लिए। तो दोस्तों मैं ये इस गेट से एंट्री कर लिया अभी बस लेने के लिए ग्लास ब्रिज जाने के लिए। तो आगे जाने के बाद इधर बस मिल जाएगा इस गेट से, जो मुझे ले जाएगा ग्लास ब्रिज तक, फिर वहाँ पे हमें टिकट लेना है। तो चलते हैं अभी बस के पास। ये टिकट जो है ना दोस्तों संभाल करके ही रखना होता है, ये इसी टिकट से हमें जाना भी है और रिटर्न भी आना है। तो जो भी टिकट आप जहाँ से भी लेते हैं तो उसको बिल्कुल संभाल करके रखें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। रखें जब तक यहाँ से बाहर ना निकल जाए तब तक हर टिकट को संभाल कर रखें। तो इसे इस तरह से टिकट चेक हो गया और यहाँ पे लाइन भी लगी है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं गाड़ी फुल हो गई, वो चली गई दूसरी गाड़ी से। फिर जितना आदमी एक बस में जितने आदमी का होगा सीट उतना ही लिया जाता है, बाकी वेट करते हैं यहाँ पे। इस तरह से गाड़ियाँ आती है और सभी को लेकर के जाना होता है अंदर घुमाने के लिए, देख सकते हैं। अब हमारा नंबर जब आएगा हम तभी घुस पाएंगे अंदर। एक गाड़ी में जितना सीट होता है उतना फुल हो जाएगा, फिर दूसरी गाड़ी आएंगे, हम बैठ जाते दोस्तों यहाँ पे। लगभग 10 मिनट की देरी पे गाड़ी आती है और हर पर्यटक को बैठा करके फुल करने के बाद यहाँ से निकलती है। जैसे कि मुझे मिल गया, दूसरे नंबर पे ही बस मिल गई मुझे जाने के लिए। तो हमने टिकट फिर से ले लिया 150 रुपये का। यहाँ टिकट हर जगह जाने के लिए अलग अलग काउंटर है, जो जिस जिस जगह पे आपको घूमना हो, नाम इतना है कि मुझे नाम इतना ध्यान में भी नहीं आ रहा है। जितनी जगह जाएंगे उस जगह पे टिकट काउंटर होगा और वहाँ पे अलग अलग रेट में टिकट मिल सकता है आपको। जैसे कि मुझे जाना था ग्लास ब्रिज पे तो 150 रुपये मिला है ग्लास ब्रिज का, प्लस इसमें मुझे सस्पेंशन ब्रिज का भी टिकट है इसी मेड। काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, जो दोस्तों जो अलग से सोचता होगा जो सस्पेंशन ब्रिज पे जाने के लिए अलग से टिकट मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी टिकट 150 रुपये में ही आप ग्लास ब्रिज पे भी जा सकते हैं और सस्पेंशन ब्रिज पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों फिर से चेक इन हो रहा है, अपनी टिकट का चेक इन होगा यहाँ पे और फिर जाएंगे इस तरफ अंदर। इस काउंटर पे टिकट जो है ना, एंट्री टिकट को जो है ना मांगा जाता है और जो आधा कर करके वो रखेगा बाकी आधा आपको मिलेगा स्काई वॉल के लिए। यहाँ से ही दिया हुआ है, देख सकते हो दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है जहाँ हमें जाना है स्काई वॉल ग्लास ब्रिज के लिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। आगे पता नहीं क्या है, नहीं आगे भी चलेंगे शायद, हो सकता है सस्पेंशन ब्रिज आगे हो, लेकिन पहले अभी स्काई वॉल पे चलते हैं ग्लास ब्रिज पे यहाँ से। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ दोस्तों ग्लास ब्रिज पे आने के लिए, काफ़ी वीडियो में देखा भी है सुना भी है, जो उस पर आने के बाद जो है ना डर का एहसास होता है और ग्लास ब्रिज से भी ज़्यादा डर का एहसास होता है सस्पेंशन ब्रिज पे। तो चलते हैं, दोनों ब्रिज पे ही जाएंगे और आपको पूरी चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पे भी दोस्तों लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे भी है जाने के लिए। ऐसे ऊंचाई पे जाना होगा दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन ही है, अब लाइन में लगना पड़ेगा फिर जाएंगे ऊपर। बाकी दोस्तों जहाँ मैं घूमा वहाँ घूम करके मुझे कैसा लगा इसका फीडबैक भी देना ज़रूरी है। 150 रुपये में अगर हम आते हैं ग्लास ब्रिज पे घूमने के लिए तो बहुत महंगा है दोस्तों, क्योंकि 2 से 4 मिनट टाइम देता है तो 150 रुपये ले लेता है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा है। बाकी आप आकर के घूम सकते हैं, अगर यहाँ आकर के घूमना चाहते हैं ग्लास ब्रिज का मज़ा लेना चाहते हैं तो आए ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम है आपका भी। आप भी घूमें यहाँ का स्प्रे, यहाँ मज़ा ले घूम करके ग्लास ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज। 150 रुपये में आपको ग्लास ब्रिज पे भी घूमने को मिल जाएगा और सस्पेंशन ब्रिज पे भी घूमने को मिल जाएगा। कि दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा राजगीर जाएं अगर घूमने के लिए ग्लास ब्रिज तो कैसे जाएं, उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ आने के लिए
आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, लेकिन पटना से ही आपको यहाँ के लिए गाड़ी मिलेगी। पटना से मिलेगा, ट्रेन भी पटने से मिलेगी और बस भी पटना से ही मिलेगा, कहीं से भी आते हैं तो। और अपनी गाड़ी से आते हैं तो यही राजगीर में अपना ये जो है ना जो सफारी का अपना पार्किंग, अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। गेट नंबर 4 में एंट्री हो जाएगा, आपकी गाड़ी एंट्री करके पार्क करके भी आप घूम सकते हैं। अपनी गाड़ी से आएंगे तो यहाँ पार्किंग का भी काफ़ी सुविधा है। और दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए इतनी दूर आया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। स्पेशल ग्लास ब्रिज ही घूमना है दोस्तों, तो आपको ग्लास ब्रिज घूमने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी टाइम मतलब एक दिन, आपको ग्लास ब्रिज का लिमिट है यहाँ पे टिकट का, 800 से 1000 टिकट का लिमिट है ग्लास ब्रिज पे। और जू सफारी में जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो कभी भी आए आप जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन ग्लास ब्रिज का कोई लिमिट है। तो ग्लास ब्रिज 800 टिकट एक दिन में लिया जाता है, एंट्री है, उसके बाद आपको वेट करना होगा। अगर लेट से आते हैं, सुबह 5 बजे अगर आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर, 5 बजे 4 बजे, तो आप ग्लास ब्रिज आराम से घूम सकते हैं। अगर लेट हुआ तो आपको एक दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे होटल लेकर के। होटल का भी ज़्यादा नहीं है, 300-400-500 रुपए में मिल जाएगा। मैं आया था कल और यहाँ पे रुकना पड़ा मुझे दिन में, इसी टाइम में मैं 2 बजे पहुँचा था तो मुझे टिकट नहीं मिल पाया, तो मैं एक रात यहाँ पर रुका। वो होटल का क्लिप मैं दिखा दूँगा, 500 रुपए में मुझे ये होटल पड़ा है, आप देख लें क्लिप। आगे बस स्टैंड है, आइए अपना रूम टूर कराते हैं। ये होटल इस तरह से, मैं अभी दूसरे फ्लोर पे मुझे रूम मिला है, देख सकते हैं सामने राजगीर का बस स्टॉपेज है। और सब कुछ बताएंगे दोस्तों, कितना रूम किराया लगा है। तो चलिए आगे अपना रूम दिखाते हैं, रूम में क्या फैसिलिटी है। यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला वो कोना वाला रूम मिला है मुझे, चलते हैं। इस तरह सफा एरिया यहाँ पे, और देख सकते हैं दोस्तों, पहले गेट करते हैं बंद, गेट बंद करते हैं और देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से रूम मिलेगा। सो इधर अपना अटैच बाथरूम है, रूम से ही एक फैन मिल जाएगा और बेड है 3 जने। अगर आप एक साथ आते हो तो फ़ायदा है, 3 जने रुक सकते हो एक रूम के अंदर। और आपको बिस्तर मिलेगा, बिस्तर पे आपको सही मिलता है गद्दा, और 3 कंबल, 3 तकिया, और बाथरूम मिल रहा है। लेकिन पानी का बोतल जो दिया है ना इसमें, ये सील पैक नहीं दिया है, खुला हुआ पानी का बोतल बाहर से भर करके दिया है, तो मैंने इस पानी को यूज़ नहीं किया, इसको वैसे छोड़ दिया, मुझे क्या लेना देना पानी से। बाकी एक टेबल यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए। और आप आ सकते हैं तो बस अड्डा के सामने ही होटल है, होटल पड़ता है ये होटल जिसमें मैंने रुका, तो उस बस अड्डे पे उतर करके आप वहाँ से होटल में बुक कर ले, उसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे आकर के यहाँ पे आप नंबर लगा सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। बस अड्डा से यहाँ आने के लिए या रेलवे स्टेशन से यहाँ आने के लिए ई रिक्शा जो है ना 30 रुपये लेता है, आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। बाकी दोस्तों, अभी मैं राजगीर बस अड्डा पर आ गया हूँ, यहाँ से बस लेने के लिए पटना जाना है मुझे। और आपको दिखा दूँ मैं इसी बस अड्डा के सामने, वो सामने देख सकते हैं होटल है ना, ये नारियल गाज वाला, इसी होटल में मैं ठहरा था रात में, 500 रुपये लगा था। और आगे जाने के बाद उसमें आनंद, ये कौन सा होटल आनंद लोक है, उसमें 400 रुपये कमरा था, लेकिन उसमें फ्री नहीं था, खाली नहीं था 400 वाला में, तो मैं इसमें रुका था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अपने भाई का सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ऐसा ही वीडियो इस चैनल पर के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।
और चैनल पे नए तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को नहीं बोलता हूँ तो आप लोग करते नहीं है, जब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, किसी नई लोकेशन पे। अल्लाह हाफिज़।